सो हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स अमन एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर क्यू एन ए वीडियो। तो वैसे तो ये मेरा थर्ड क्यू एन ए वीडियो, बाकी के मैंने दो वो जो क्यू एन ए वीडियो थे वो मैंने हाइड कर दिए, क्योंकि वो क्यू एन ए वीडियोज ज़्यादा कुछ खास थे नहीं, तो इसलिए मैंने वो क्यू एन ए वीडियोज हाइड कर दिए। तो आई मीन वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ शेयर करना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है मोहित संगावे ने, और इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ योर एज। तो मैं अभी 15 का हो गया है, इस सितंबर को हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विल यू प्ले एनी अदर एक्सेप्ट पोकेमॉन। तो मैं, जिन लोगों को नहीं पता कि मेरा एक सेकंड चैनल भी है, उसमें मैं मल्टीप्लेयर गेम्स खेलता हूँ लाइक फ्री फायर एंड पबजी और माइनक्राफ्ट भी खेल लूँगा। तो अगर तुम लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लो, अगर तुम्हें कुछ ऐसे ही मल्टीप्लेयर कंटेंट मिस नहीं करने हैं। तो उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि विल यू प्ले एनी फैन गेम्स लेटर इन द फ्यूचर। तो अभी तो वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं कुछ फ़ैन गेम्स फ्यूचर में खेलूँ, पर क्या पता यार मूड का क्या भरोसा, कब चेंज हो जाए। और एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रो फॉर रीचिंग टू द सब्सक्राइबर्स, तो थैंक यू सो मच यार। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है आलोक पानवाल ने, और इन्होंने पूछा है कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन। तो जो मेरा इंस्पिरेशन है वो है गोहेन स्टिप्स, इनविंसिबल ग्रे निंजा और प्लस 5S, यही तीन है मेरे इंस्पिरेशंस, उन्हीं को देख के मैंने स्टार्ट किया था। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है डीबी स्टार गेमिंग ने, तो इसने पूछा है कि हॉबीज़। तो मेरी कुछ हॉबीज़ नहीं है, बस मैं ठीक ठाक वीडियोस बना लेता हूँ, ठीक ठाक ही होते हैं यार, तो मे बी वही मेरी हॉबीज़ हैं, पर मे बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डू यू वॉच एनिमे लाइक DBZ। तो मैंने सही कहूँ तो अपनी लाइफ में पोकेमॉन के अलावा कोई भी एनिमे नहीं देखी, और नोट अच्छा डेथ नोट। तो वे आर यू लिव, तो मैं रहता हूँ उत्तराखंड रुद्रपुर में। एज, तो मैं अभी 15 साल का हूँ। और एश और रेड, रेड इंस्पिरेशन मैं बता चुका हूँ, गर्लफ्रेंड। अबे क्या पूछ लिया, अबे अपन सिंगल आई, मी सिंगल आई। फ्यूचर प्लान्स, तो मेरे फ्यूचर प्लान्स कुछ नहीं है, कोलैब कर लेंगे या कोलैब का क्या है। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैं तो काइंड मस्ट यूज़ करता हूँ, ओवरऑल लव योर वीडियोस, थैंक यू सो मच बड़ी। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है वन के गेमिंग ने, तो इसने पूछा है कि हाउ यू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। तो कुछ नहीं यार, बस जो मैंने पहले जो मतलब जो मेरी सबसे पहले वीडियो थी वो, तो उस वीडियो का टॉपिक ये था कि तुम कैसे मतलब पोकेमॉन रोम हैक्स डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में एंड्रॉयड डिवाइसेस में। और जो दूसरी वीडियो पोस्ट करी थी वो थी पोकेमॉन ग्लेस्ड की चीट कोड्स, और उन दोनों ही वीडियो में कुछ 100 और 200 व्यूज़ क्रॉस कर लिए थे। लेकिन जो मैं वीडियो पोस्ट किया था वो अपने पापा के अकाउंट में किया था, तो ना चाहते हुए मुझे वो वीडियोस डिलीट करनी पड़ी। हाँ, तो फिर मैंने उसके बाद एक सेकंड चैनल भी खोला जो अमन पोके मास्टर के नाम से था, और बाद में मैंने उसमें कुछ 2, 5, 6, 10 या 20 वीडियोस पोस्ट करी होंगी। और उसके बाद तो मैं भाई उस अकाउंट का पासवर्ड ही भूल गया। उसके बाद मैंने और एक चैनल स्टार्ट किया, तो उस चैनल का नाम रखा मैंने मेगा ग्रे निंजा, और 1-2 महीने बाद मैंने उस चैनल का नाम चेंज करके रख दिया था मेगा ग्रे निंजा गेमिंग हेडक्वार्टर्स। उसके बाद मैं मतलब उस चैनल पे मैंने कुछ 200 व्यूज़ क्रॉस कर लिए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ सब फॉर सब्स की वजह से। मतलब उसके तब YT चैट हुआ करता था, वहाँ पे सब सब फॉर सब यूज़ करते थे, तो मैंने भी कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा यार थोड़े हॉनेस्टली से सब्स बढ़ाते हैं, मतलब मेहनत करके सब्स बढ़ाते हैं, तो उसके बाद से मैंने ये वाला चैनल खोला। और उसमें मैं सोच रहा था कि मैं गेम प्लेज वीडियोस पोस्ट करूँगा, लेकिन एक दिन मैंने पता नहीं क्यों एक टॉप 5 वीडियो पोस्ट कर दी, और यकीन मानो यार वो टॉप 5 वीडियो आज 180K व्यूज़ पार कर चुकी है। तो ये वाली वीडियो थी टॉप 5 ऐश गेम्स वाली, मतलब ऐश वाली रोमैक्स वाली, तो इसमें 180K व्यूज़ पार हो गए थे। और इस वीडियो ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया 1K रीच करने में, एक्चुअली कि मेरे 90% ऑफ सब्सक्राइबर्स इसी वीडियोस मतलब इसी वीडियो के ज़रिए आए थे। तो ऐसे ही कुछ यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई, और अभी मेरे 20K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और थैंक्स टू दैट वीडियो जिसने मुझे इतना हेल्प किया इतने आगे आने में।
और इसने दो क्वेश्चन और पूछे और वो पूछा है व्हेन यू थिंक यू विल बी यूट्यूबर। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक यूट्यूबर अच्छा सा बन जाऊंगा। बस मैं वीडियो पोस्ट करता गया और लकीली एक वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा फेम मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एडिट किस ऐप से करते हो। तो मैं अपना काइन मास्टर यूज़ करता हूँ जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया था और बहुत ही अच्छी ऐप है। तो फ्री में मतलब फ्री ऐप है, आराम से इंस्टॉल कर लो गूगल से। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सुजल पाटिल ने और इसने पूछा है कि ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा कांड किया है जिसको याद करके आज भी मज़ा आता हो। तो हाँ, जब मैं 12 साल का था तो मैं और मेरा फ्रेंड नाइट वॉक करने निकले थे, बेसिकली बेस्ट फ्रेंड। तो मैं एक आंटी की घंटी मतलब क्या बोल रहा हूँ, आंटी के मतलब जो घर होता है वो घंटी बजा के भाग गया था। बहुत मज़ा आया था यार। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है प्रो मास्टर गेमिंग ने और इसने पूछा है व्हाट इज़ योर रियल वॉइस एंड डू फेस रिवील। तो वॉइस तो मेरी यही रियल है, बिना किसी एडिटिंग मतलब बिना किसी माइक के। तो और क्या पूछा है, और पूछा है कि डू फेस रिवील। तो मैं अभी एक माइलस्टोन पे फेस रिवील करूँगा और माइलस्टोन तो 10K, 50K, 100K कुछ भी हो सकता है यार। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कांग किंग ने, सॉरी अगर मैंने गलत नाम प्रोनाउंस किया हो। तो इसने पूछा है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सपोर्ट किया था। तो हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और मुझे अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है स्काई गेमिंग ने और इसने पूछा है वेयर डू यू लिव। मैं बता चुका हूँ व्हाट इज़ योर फूड, हैं व्हाट इज़ योर फूड, ये क्या हुआ बे। चाहे हु इज़ योर फेवरेट ट्रेनर। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा फेवरेट ट्रेनर रेड है और पूछा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। तो मेरा फेवरेट गेम तो हमेशा से ही एश ग्रे रहा है और मैंने उसको एज अ फर्स्ट GBA रोम हैक मतलब गेम भी खेला था एज अ फर्स्ट गेम। सो जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ध्रुतवान वी शेट्टी ने। तो सॉरी मैंने अगर गलती से गलत प्रोनाउंस किया हो। तो इसने पूछा है कि डू यू हैव एनी राइवल इन यूट्यूब, यस हु इज़ इट। वो मेरा एक राइवल हुआ करता था जो मेरे क्लास में पढ़ता था और उसका भी एक यूट्यूब चैनल है अभी, लेकिन अभी तो ख़त्म ही है बेचारा, पोस्ट नहीं कर रहा कुछ वीडियो। और उसका नाम था भाई पुकीमेस्ट, अभी उसने नाम चेंज कर दिया है। सो जो अगला वो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सॉरी हाँ व्हाई यू मेड वीडियोज़ इन यूट्यूब। तो बस यार मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। व्हाट इज़ योर फेवरेट पोकेमॉन गेम, मैं बता चुका हूँ व्हाट इज़ योर फेवरेट पोकेट्यूब। तो मेरा फेवरेट पॉकेट्यूब है भाई लोग का अड्डा। अगला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर। तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है कैरी मिनाटी। उसके बाद पूछा है डू यू हैव एनी पेट। तो मेरे पास एक कुत्ता है जो बहुत ज़्यादा भौंकता है, वीडियो भी नहीं बना दे देता। अभी बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ भी आ रही होगी यार, शांत नहीं करा सकता, काट लेता, बहुत गंदा है। की बात पूछा है कि विच इज़ योर फेवरेट एनिमल। देखो भाई एनिमल के बारे में तो पूछो ही ना, मतलब बहुत गलत हो जाएगा। शो योर फेस। तो मैं एक माइलस्टोन पे अपना फेस रिवील करेगा। फेवरेट पोकेमोन ग्रेनिंजा, जा चला जा। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है अपना सॉरी डार्लिंग ने, मजाक कर रहा हूँ, सोरिंग सीपनल ने पूछा है। तो इसने पूछा है डू यू हैव एनी, आर यू, आई आस्क यू फैमिली फ्रेंडली क्वेश्चन सो इट्स नेसेसरी टू टेक माई क्वेश्चन। भाई मतलब एक होता है फ्रेंडली फैमिली, एक होता है फ्रेंडली बट नॉट फैमिली, और एक होता है अश्लील क्वेश्चन। तो भाई तुमने अश्लील पूछा है, सही बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, पहले वाले को तो मैं दे चुका हूँ, दूसरे वाले को मैं देना नहीं चाहता क्योंकि मेरी बेइज्जती होगी यार, मैंने वो आंसर कर दिया तो। सही में यार दिल से बुरा लगता है, आप भी जानते हो यार, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा है श्रेष्ठा सिन्हा ने, तो इन्होंने पूछा है वेयर आर यू फ्रॉम इन इंडिया। तो मैं इंडिया में से मतलब उत्तराखंड रुद्रपुर से हूँ। और विच ऐश इज़ अ फेवरेट। तो मेरा फेवरेट वो है यूनोवा में वाला है कि कैलोस वाला है, शायद कैलोस में ग्रेनिंजा था, तो बस वही वाला है। योर राइवल ऑन यूट्यूब, तो मैं बता चुका हूँ वाई पोकेमोन कंपनी इज़ नाउ नॉट डबिंग पोकेमोन इन हिंदी।
तो पोकेमोन कम्युनिटी क्यों नहीं कर रही इसके बारे में, तो मतलब कंपनी क्यों नहीं कर रही इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो पूछा है कि हु वुड यू चूज एज स्टार्टर फ्रॉम एवरी रीजन। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पर ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा जाएगा, तो यार सॉरी फॉर नॉट आंसरिंग द लास्ट क्वेश्चन। सो जो अगला क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है अक्षत विश्वकर्मा ने, अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो तो माफ़ करना। वैसे इस भाई ने पूछा है कि विच गेम यू लाइक एक्सेप्ट पोकेमोन गेम्स। तो मैं मल्टीप्लेयर गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा सेकंड चैनल है उसमें मैं खेलता रहता हूँ मल्टीप्लेयर गेम्स, तो तुम जाके चेक कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में करना, गंदी बात होती है। और पूछा है कि व्हेन यू विल अपलोड वीडियो विथ फेस कैम एंड विथ ऑडियो। तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं फेस कैम और ऑडियो के साथ वीडियो पोस्ट करूं, क्योंकि मेरे जो रूम और मेरे मॉम डैड का रूम है वो काफ़ी जॉइंट है, सेपरेटेड तो है पर थोड़ा जॉइंट है, मतलब पास पास में है ऐसा तुम कह सकते हो। तो इसलिए मैं मतलब ऑडियो के साथ बहुत कम ही रिकॉर्ड करता हूँ जब मैं रूम में अकेला रहता हूँ या साइड में कोई नहीं रहता। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है मेगा एनिमे मास्टर फैंस ने। हाँ, तो इसने पूछा है कि अपने चैनल का नेम अमन्स ग्रेनिंजा क्यों रखा, क्योंकि एशेस ग्रेनिंजा और अमन्स ग्रेनिंजा बहुत सेम सेम लगता है, और मेरा एक खुद का सेपरेट ग्रेनिंजा तो नहीं है, मैंने एश ग्रेनिंजा की कॉपी कर ली बस, मतलब थोड़ा लोगो यूनिक टाइप का बना दिया, मतलब लेकिन मैंने नहीं बनाया, वो बनाया है देव ने, तुम उसका चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो एक और एक क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड ऑन यूट्यूब। तो मेरे यूट्यूब का बेस्ट फ्रेंड है देव 5S पोकेमास्टर, मतलब यूट्यूब का है और रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड, तो वो नाम बताऊंगा तुम उसको कैसे पहचानोगे बे। तो छोड़ो यार रियल लाइफ का फ़िलहाल, ये तो यूट्यूब का ही रखो, वो है देव, वही है यार बेस्टी, सही में बहुत अच्छा बंदा है यार वो, मतलब मेरी हर तरीके से हेल्प करता है। उसने मेरे लिए ये लोगो बैनर बना के दिया, फिर जाके वो मतलब जो वीडियो तुम देख रहे हो ना उसका मतलब देव ने ही थंबनेल बनाया था। वैसे तो मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो प्लीज़ यार उसको सब्सक्राइब कर दो यार, बस उसको भी सब्सक्राइब कर दो, मतलब बहुत मेहनती लड़का है, मेरे लिए बहुत कुछ करता है, सही में बेस्ट फ्रेंड है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है द बग किलर ने। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट पोकेमोन। मैं बता चुका हूँ फेवरेट रीजन कैंटो, नहीं, कैलोस, हाँ अब कैलोस है जहाँ पे ग्रेनिंजा मिलता है वो। और फेवरेट फॉर्म, मेरी फेवरेट फॉर्म, सारी फॉर्म अच्छे हैं, मेरे टाइप भी सारे अच्छे हैं। फेवरेट पोकेमोन रोम, बता चुका हूँ। क्या आपके टूथपेस्ट में आलू है क्या है? नहीं, मेरे टूथपेस्ट में आलू नहीं, बस आलू में थोड़ा सा टूथपेस्ट है, और मेलेडी सब खाते क्यों है या मतलब क्या ही बताओ यार। तो मेलेडी सब इसलिए खाते हैं क्योंकि सबको नहीं पसंद, और जो चीज़ नहीं पसंद वो लोग करना नहीं चाहते, जो मतलब जो करना नहीं चाहते वो करेंगे तो ही तो कर पाएंगे, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेलेडी खाते हैं, समझे? अभी पूछना मत यार ऐसे क्वेश्चन, कुछ अच्छा पूछ लेते। वो जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है सोहन कुमार साहू ने। तो मैंने ये जो ये ऐसे से वो थोड़ा टेढ़े में इसलिए किया क्योंकि मुझे छोटे में कुछ दिख नहीं रहा था और मुझे सारे आंसर भी तो देने हैं ना। तो इसने पूछा है फेवरेट पोकेमोन लीजेंडरी। तो मेरा फेवरेट लीजेंडरी आरसीएस, ओ सॉरी मिथिक है, तो लीजेंडरी लूगिया मान लो, मिथिक आरसीएस मान लो, फेवरेट पोकेमोन ग्रेनिंजा, फेवरेट यूट्यूबर बता चुका हूँ, फेवरेट यूट्यूबर इंडियन, यूट्यूबर इंडियन भाई दोनों सेम ही है। फेवरेट स्टडी सब्जेक्ट ड्राइंग, मेरा सबसे बहुत अच्छा फेवरेट लगता है यार ड्राइंग, मैं यार ड्राइंग में टॉप करता हूँ, वैसे वहाँ भी मैं पीछे से करता हूँ। हु इज़ द बेस्ट गॉड ऑप्शन आर है, क्या बोलूँ मैं। तो वैसे तो यहाँ पे मैं बिडू चूज कर लेता हूँ, चूज़ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मैं डी ऑप्शन, हाँ तुम पढ़ लें यार बहुत लंबा है, मैं ना पढ़ रहा, मैंने पहले ही पढ़ लिया कैटपे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिल्कुल गलत, एकदम गलत। व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम यू प्लेड पैरेट। तो मैंने
मुझे याद नहीं मेरी टीम क्या थी, सही में नहीं याद। डू यू रिमेम्बर? हाँ, योर फेवरेट एनसीएस सॉन्ग? तो मेरा फेवरेट एनसीएस सॉन्ग है पिल और ऑन माय वे, ऑन सॉरी ऑन एंड ऑन। और योर एज बता चुका हूँ, फेस रिवील का भी बता चुका हूँ, और यहाँ पे मैं भाई लोग का अड्डा चूज करेगा। हु इज़ द बेटर, शाइनी ऑफ ब्लू इन फेरेट विदाउट चीट्स? तो शाइनी ऑफ ब्लू वट क्या? रेड और ग्रीन होता तो मैं कुछ मान भी लेता, पर शाइनी और ब्लू भाई मेरे दिमाग के परे है। तो शायद सोन भाई तुमने और भी क्वेश्चंस पूछे थे, मुझे वो क्वेश्चंस मिल नहीं रहे। मे बी मैंने एसेस नहीं लिया या मैंने गलती से डिलीट कर दिया। तो फिलहाल के लिए तो मैं बस इतना ही का आंसर देता हूँ। तो वेल, जो मैं कुछ बोल रहा था कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में कुछ स्पेशल है। तो स्पेशल ये है कि मैंने मतलब 30 क्वेश्चंस कुछ पूछे थे, मैंने उसमें से 15 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। मतलब 30 नहीं, 28 क्वेश्चंस हो गए। 2 क्वेश्चन मैंने काट दिए, मतलब एकदम फालतू फालतू थे, मतलब 2 बार से ही पूछे गए थे। तो 2 क्वेश्चन मैंने काट दिए, अब बचे 13 क्वेश्चन। और 13 क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, जो सैटरडे को आएगी, मतलब संडे को आएगी। सैटरडे को तो ये वाली वीडियो आई है, संडे को नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं बाकी के क्वेश्चंस रखूँगा। ठीक है, तो मिलता हूँ यार संडे वाली वीडियो में। अभी तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, कोरोना से बचे रहना, अगर कोरोना हो भी गया तो मस्त क्वारंटाइन करना, क्योंकि हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। जो स्केडिंग घर पे सेफ रहना, और कोरोना ना ही होने देना यार, प्लीज़।